इमाम मोहम्मद तकी की एक बड़ी अजीब रिवायत है, ऐसे रो रहे थे जैसे घर से जनाजा उठ रहा हो। ऐसे इमाम के इमाम ने माह रमजान को रुख्सत किया है इंतहाई गिरिया उजारी के साथ। खुद इमाम सज्जाद की तो पूरी दुआ है माह रमजान को रुख्सत करने के हवाले से। जी इतने अच्छे अय्याम हमसे जा रहे हैं, हमें जो सिखाने समझाने पढ़ाने तरबियत देने हमें संवारने हमें सजाने जो अय्याम आए थे, जो हमें इंसान बनाने के लिए आए थे, फिर इंसानों को अल्लाह का वली बनाने के लिए आए थे, फिर वलियों को और विलायतें दिलवाने के लिए अय्याम आए थे। लिहाजा रिवायत कहती है कि महशर में वो बंदा जिसने 30 रोजों में से एक रोजा छोड़ दिया होगा वो रोएगा कि मैंने एक रोजा भी क्यों छोड़ दिया, इसलिए कि यहां तो एक एक रोजे वाले को इतना कुछ दिया जा रहा है, यानी एक रोजे का सवाब इतना कुछ उसका इनाम दिया जा रहा है, मैंने एक भी क्यों छोड़ दिया, अगर मैंने एक रोजा ना छोड़ा होता तो मुझे यह भी कुछ मिलता जो रोजा रखने वालों को दिया जा रहा है। वक्त गुजर गया या अल्लाह, हमारी कोताहियों का हमें एतराफ है, हमारी बेतवज्जहियों का हमें एतराफ है, हमने इस महीने का हक अदा नहीं किया जैसा हमारा हो हमें करना चाहिए था, हमें अपने हिसाब से ही जैसा करना चाहिए था हमने अपने हिसाब से भी ऐसा नहीं किया। कुरान की तिलावत में उजलत रही, दुआओं के पढ़ने में शौक नहीं रहा, रोजा रखने में खोलने में जरा जल्दी रहती थी कि कब वक्त आएगा। या अल्लाह हमारा तो हौसला इतना ही था जितना हमने हमारे हौसला हमारी इस कमजोरियों को हमारी इस कोताही को अपनी बारगाह में अपने करम के सदक़े से तुझे तेरे करम का वास्ता देते हैं, तुझे तेरे रहम का वास्ता देते हैं, तुझे तेरे रहमानियत का वास्ता रहीमियत का वास्ता देते हैं। तू हमारी इबादतों को ना देख बल्कि अपनी बेकरां रहमतों और बेकरां करामतों को देख, तू हमारे रिश्ते से हमें ना दे तू अपने रिश्ते से हमें अता फरमा, हमारी जो कोताहियां थी उन्हें नज़रअंदाज कर दे, उन्हें बरतरफ कर दे और बेहतरीन अजर सवाब हमें अता फरमा दे, और जो ईद का दिन हमारे लिए आए उस दिन को हमारे लिए मुसलमानों के लिए ईद करार दे, नबी और आले नबी के चाहने वालों के लिए शरफ करार दे, इज्जत करार दे, हमारा विकार बढ़े हमारी इज्जत बढ़े, मुसलमानों का जो विकार जुबू हाली का शिकार है जी, वो विकार जो मजरू हो चुका है, या अल्लाह ये ईद जो आ रही है हमारे हमारे विकार को दोबारा से पलटा दे, हमारी आबरू को दोबारा से पलटा दे, हमारी इज्जत में इजाफा फरमा दे, हमारे जो मसाइल और मुश्किलात और परेशानियां, हर शख्स अपने मसाइल से खूब तेरी बारगाह में मुसलसल दुआ गो रहा, हर शख्स अपने मसले तुझे बताता रहा, या अल्लाह इन मसाइल इन मुश्किलात इन परेशानियों को बरतरफ फरमा दे। परवरदिगारा हमें हमारी जिंदगियों में ये माह मुबारक रमज़ान हमारी जिंदगी का आखिरी माह मुबारक करार न दे, हमें आइंदा भी रोजे रखने का मौका अता फरमा। इस दफा हमसे गलतियां हो गई कोताहियां हो गई, या अल्लाह हम आइंदा नहीं करेंगे, हमें एक दफा और मौका इनायत फरमा दे। हमें ये तो पता है कि जब आंखें बंद होंगी रूह कब्ज हो जाएगी, तू हमें फिर पलटने नहीं देगा, फिर गुंजाइश नहीं रहेगी पलटने की, मगर अभी तो तेरे हाथ हमारे हाथ में है कि हम तुझसे ये कह दें कि अपनी इस सुन्नत के ऊपर कि हमारी उम्र को लंबा कर दे ताकि हम तेरी इबादत का आइंदा लुत्फ ले सकें, तेरी इबादत को ज़्यादा बेहतर अंदाज से कर सकें। कुरान वालों में और अहले कुरान में हमें करार दे, साल भर हम कुरान मजीद पढ़ते रहें, कुरान मजीद से हमें दोस्ती हो जाए प्यार हो जाए ये तौफीक अता फरमा दे। हमारे मरहूमीन की रूहें हमारी तरफ इस महीने में ख़ास अंदाज से देख रही थी कि मेरे बच्चे मेरे पोते मेरे पड़पोते मेरे नवासे मेरी औलादें मेरे मुतालिकीन हमें कितना याद कर रहे हैं, या अल्लाह हमने कोशिश की कि अपने मरहूमीन को भी याद करें जो हमसे रह गए, जो हमारे अजीज़ मरहूमीन हमसे याद करने में रह गए या जिन्हें हमने याद किया, या अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। हमारे इन नौजवानों को हमारे इन आइंदा नस्ल के अफराद को इन बच्चों को बेहतरीन तालीम तकवा रोज़गार हिम्मत हौसला जवानियाँ अता फरमा दे। हमारी बच्चियों को इफ़्फ़त व पाक दामनी तरबियत औलाद शोहर की खिदमत अपने घर को चैन सुकून से रखने की तौफीक अता फरमा दे। जो बीमार हैं जो मरीज़ हैं उन्हें शिफाए कुल्ली और आजला अता फरमा दे। परवरदिगारा हमारे इस मुल्क खुदादाद मुल्क अताए इलाही मुल्क के मसाइल और मुश्किलात को आसान फरमा दे, इसको तरक्की अता फरमा, इसकी हिफाजत फरमा, इसकी खिदमत की हम सबको तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा,
हमारी नजरियाती सरहदों की हिफाजत फरमा। सरजमीन नजफ, करबला, सामर्रा, काजमैन, मशहद, कुम, जितने मकामात मुकद्दसा हैं, खास तौर पर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार अपने हिफ्ज़ो अमान में करार फरमाया, मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की हिफाजत फरमाया, हमें उसकी हिफाजत के लिए अपनी कोशिशों को बरूए कार लाने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा हमारे सारे मसाइल का हल एक ही दुआ में पोशीदा है, अगर वो कबूल हो गई तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। या अल्लाह इमाम महदी के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा।